राजा की दो जादुई जुड़वां बेटियां। एक बार की बात है, किसी राज्य में एक वीर प्रतापी राजा सूरजभान का शासन था। आस पड़ोस राज्य के शासक भी उनकी बहादुरी का लोहा मानते थे। हालांकि उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, पर वो बहुत ही दुखी रहते थे क्योंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। परंतु कई वर्षों के लंबे इंतजार के बाद उनके महल में खुशियों ने दस्तक दी और रानी रूपमती ने दो सुंदर जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। उन्होंने एक का नाम रखा शोभा और दूसरी बेटी का नाम रखा गरिमा। राजा रानी अपनी प्यारी सी बेटियों को देखकर फूले ना समाए और भगवान का शुक्रिया अदा किया। यहाँ तक कि परिलोक की रानी परी भी उन्हें आशीर्वाद देने वहाँ आई और बोली, मैं इन दोनों को एक खास वरदान देती हूँ, जब भी ये दोनों रोएंगी इनके आंसू हीरे में बदल जाएंगे। इतना कहकर रानी परी गायब हो गई। धीरे धीरे समय का पहिया बढ़ता गया। फिर कुछ सालों बाद शोभा और गरिमा दोनों बड़ी हो गई और खूबसूरत भी, लेकिन उनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था। जहाँ शोभा बहुत घमंडी थी, वो छोटी छोटी बातों पर नौकरों पर गुस्सा किया करती थी, वहीं गरिमा एक दयालु और नेक राजकुमारी थी। वो बड़े प्रेम से दूसरे से बात करती थी। वहीं दूसरी ओर राजा सूरजभान और रानी रूपमती अपनी दोनों बेटियों के विवाह के लिए बहुत चिंतित थे, क्योंकि अब वो दोनों शादी लायक हो चुकी थी। राजा सूरजभान अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वे चाहते थे दोनों को ऐसा जीवन साथी मिले जो उन्हें जीवन भर खुश रखे। एक दिन राजा सूरजभान ने दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी प्यारी राजकुमारियों, अब आप दोनों विवाह लायक हो चुकी हो, इसलिए मैं दरबार में आप दोनों के विवाह के लिए जल्द ही स्वयंवर का आयोजन करने वाला हूँ। पिताजी, आप स्वयंवर का आयोजन मत कीजिए, मैंने अपने लिए योग्यवर चुन लिया है, मैं उसी से विवाह करूंगी। क्या, कौन है वो, हमें उससे मिलवाइए। और आप राजकुमारी गरिमा, आप भी किसी को चाहती हो तो बता दीजिए। पिताजी, मैंने भी अपना जीवन साथी चुन लिया है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर आप दोनों ने अपने लिए योग्यवर ढूंढ ही लिया है तो मैं उन दोनों से एक बार मिलना चाहता हूँ। आप उन्हें आज ही अपने राजमहल लेकर आइए। अपने पिता राजा सूरजभान की बात सुन दोनों राजकुमारियां बहुत खुश हुई और फिर कुछ समय बाद दोनों राजकुमारियां अपने अपने योग्यवर को लेकर राजमहल पहुंची। राजा सूरजभान ने दोनों लड़कों को बड़े ध्यान से देखा। फिर राजा सूरजभान ने राजकुमारी शोभा के साथ आए सूट बूट पहने हुए लड़के से पूछा, सुनो नौजवान, तुम क्या काम करते हो? महाराज, मैं इस राज्य का सबसे अमीर व्यापारी का लड़का आर्यन हूँ। उसके बाद राजा सूरजभान ने उस लड़के की ओर देखा जिसे राजकुमारी गरिमा ने चुना था। और तुम क्या करते हो? महाराज, मैं एक मामूली किसान हूँ और मेरा नाम कार्तिक है। ये सुनते ही राजा सूरजभान गुस्से से राजकुमारी गरिमा से बोले, तुम एक राजकुमारी होकर एक गरीब किसान को अपना जीवन साथी कैसे चुन सकती हो? तुम कभी भी इसके साथ खुश नहीं रह सकती। जरा अपनी बहन शोभा को देखो, उसने अपने लिए कितना योग्य और धनवान लड़का चुना है। माना कि मैं एक गरीब किसान हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं राजकुमारी गरिमा को जीवन भर खुश रखूँगा। पिताजी, माना कि ये एक गरीब किसान है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। अगर मैं विवाह करूँगी तो कार्तिक से करूँगी, नहीं तो आजीवन भर कुवारी ही रहूँगी। कृपया हमें आशीर्वाद दे पिताजी। गरिमा, तुम्हारी पसंद कितनी बकवास है, तुम एक राजकुमारी होकर एक गरीब लड़की के साथ शादी कैसे कर सकती हो? मुझे मेरी पसंद पर नाज है, मैं शादी इसी से करूंगी, वरना किसी से भी नहीं। ये कहते हुए गरिमा अपनी जिद पर अड़ गई। हालांकि राजा सूरजभान को राजकुमारी गरिमा द्वारा चुना गया लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पर राजा सूरजभान को राजकुमारी गरिमा के जिद के आगे झुकना पड़ा। फिर राजा और रानी ने अपनी राजकुमारी बेटियों की शादी उनकी पसंद के लड़के के साथ बड़ी ही धूमधाम से की। शादी संपन्न होने के बाद दोनों राजकुमारियां अपने पतियों के साथ अपने ससुराल चली गई। ऐसे ही एक साल बीत गया। राजा और रानी को अपनी बेटियों की याद सताने लगी। राजा सूरजभान ने दोनों बेटियों के घर जाने का फैसला किया और अपने रथ में बैठकर सबसे पहले वो राजकुमारी शोभा से मिलने गए। राजकुमारी शोभा एक सुंदर हवेली में रहती थी।
जब वे वहां पहुंचे, राजकुमारी शोभा और उसके पति आर्यन ने उनका भव्य स्वागत किया। अपनी राजकुमारी बेटी शोभा को देखकर राजा बहुत खुश थे और फिर थोड़ी देर बाद उनसे विदा लेकर वहां से चले गए। उसके बाद राजा सूरजभान राजकुमारी गरिमा से मिलने उनके घर जाने के लिए रवाना हुए। रास्ते में वो सोच रहे थे कि राजकुमारी गरिमा अपने हीरे के आंसू बेचकर सुखी जीवन जी रही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब वो वहां पहुंचे तो अपनी बेटी गरिमा को कष्टों से भरा हुआ जीवन जीते देख बहुत दुखी हो गए। गरिमा घास फूस से बने एक छोटे से मकान में रहती थी। अपने पिता को वहां देख वो हैरानी से बोली, अरे पिताजी आप यहाँ, आपने हमें आने की सूचना भी नहीं दी। हाँ बेटी, हम यहाँ आपसे मिलने आए हैं। आइए पिताजी, कृपया अंदर बैठिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। इतने में गरिमा का पति कार्तिक भी खेतों में काम कर घर लौटा तो राजा सूरजभान को अचानक वहां देख हैरानी से बोला, प्रणाम महाराज, आपका हमारी छोटी सी कुटिया में स्वागत है। आइए हमारी कुटिया में विश्राम कीजिए। हम यहाँ विश्राम करने नहीं आए, तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मेरी फूल सी राजकुमारी को इतने कष्ट में रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है मेरी बेटी के जादुई आंसू ही ऐसो आराम की जिंदगी देने के लिए काफी हैं। महाराज मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं अपनी प्यारी सी पत्नी को रुलाकर उसे दुख पहुंचाकर ऐशो आराम की जिंदगी नहीं दे सकता, बल्कि मैं अपनी मेहनत और लगन से अपनी पत्नी को दुनिया की हर खुशी दूंगा। मैं अपनी पत्नी को रोता हुआ नहीं देख सकता महाराज। हाँ पिताजी, मैं अपने फैसले से बहुत खुश हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। राजकुमारी गरिमा की बात सुन राजा सूरजभान कुछ नहीं बोले और चुपचाप वहां से चले गए। हालांकि कार्तिक बहुत गरीब था, लेकिन वो मेहनती और समझदार था। वो राजकुमारी गरिमा से सच्चा प्यार करता था। कार्तिक खेतों में दिन रात मेहनत करता, वहीं राजकुमारी गरिमा घर के कामों के साथ साथ खेतों में अपने पति का हाथ बटाती। फिर कुछ ही महीनों में कड़ी मेहनत से उन्होंने ढेर सारे पैसे कमाए। देखते ही देखते वो अमीर हो गए। अब उनके पास आलीशान घर और खेती बाड़ी करने के लिए बहुत बड़ी जमीन थी। वे दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अचानक ही गरिमा की आंखों में दर्द होने लगा। मेरी आंखों का दर्द जा क्यों नहीं रहा? तुम्हारी आंखों में अक्सर दर्द रहता है, इसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं। हमें किसी अच्छे वैद्य को दिखाना चाहिए। मैं आज ही तुम्हें किसी अच्छे वैद्य के पास लेकर चलता हूँ। ये दोनों कई वैद्य के पास गए, लेकिन कोई भी वैद्य आंखों के दर्द का असल कारण नहीं बता पाए। गरिमा की आंखों का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। फिर एक दिन राजा सूरजभान ने राजमहल में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी और अपनी दोनों बेटियों को आमंत्रित किया। पार्टी के दिन बड़ी संख्या में लोग पार्टी में शामिल हुए। वहीं शोभा के पति आर्यन उपहार स्वरूप ढेर सारे सोने के सिक्कों के साथ चमचमाते हुए हीरे लेकर अकेले ही पार्टी में शामिल होने महल पहुंचा। महाराज ये छोटा सा उपहार मेरी तरफ से आपके लिए, मैं आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरी बेटी शोभा कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? महाराज जी दरअसल वो बीमार है, इसलिए उसने पार्टी में आने से मना कर दिया। ठीक होने के बाद वो आपसे मिलने जरूर आएगी। पार्टी में उनकी दूसरी बेटी राजकुमारी गरिमा और उसके पति कार्तिक भी मौजूद थे, लेकिन राजा ने कार्तिक से सीधे मुंह बात तक नहीं की। तभी अचानक राजकुमारी गरिमा की नज़र आर्यन द्वारा लाए गए चमचमाते हुए हीरे पर गई। राजकुमारी गरिमा ने उन हीरों को बड़े ध्यान से देखा। अरे ये हीरे तो जाने पहचाने लग रहे हैं। ओह ये तो बिल्कुल हमारे आंसुओं से बने हुए हीरे की तरह है। ये सोचते हुए राजकुमारी गरिमा ने ये बात अपने पति कार्तिक से कही। सुनो मुझे लगता है ये हीरे मेरी बहन शोभा के आंसुओं से बने हैं। तभी मेरी आंखों से बिना कारण दर्द हो रहा था, ऐसा लगता है मेरी बहन किसी मुसीबत में है। अगर आपको ऐसा लगता है तो हमें राजकुमारी शोभा से मिलने जाना चाहिए। हाँ हमें अभी उससे मिलने जाना चाहिए। इतना कहकर दोनों पति और पत्नी शोभा के घर उससे मिलने हवेली पहुँचे, लेकिन वो हवेली के अंदर नहीं जा पाए क्योंकि बाहर पहरेदार खड़े थे। रुक जाओ, बिना मालिक के आदेश के हम आपको हवेली के अंदर नहीं जाने दे सकते हैं। राजकुमारी शोभा मेरी बहन है, तो मुझे उसे मिलने से नहीं रोक सकती, मुझे अंदर जाने दो।
हम मालिक के आदेश के बिना आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। पहरेदार की बात सुनकर दोनों को शक हुआ और वो आपस में फुसफुसाते हुए बोले, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, हमें अंदर जाने के लिए कुछ दूसरा रास्ता अपनाना होगा। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, मेरे पास एक तरकीब है, मैं इन पहरेदारों का ध्यान भटकाता हूँ। फिर प्लान के मुताबिक कार्तिक महल के पीछे से अंदर घुसने की कोशिश करने लगा, तभी पहरेदार ने उसे देख लिया और उसे पकड़ने उसके पीछे भागे। तभी मौका पाकर गरिमा हवेली के अंदर दाखिल हुई। अंदर जाते ही गरिमा ने अपनी बहन शोभा को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखाई दी। तभी अचानक उसे एक गुप्त तहखाना दिखाई दिया जहाँ से रोने की आवाज आ रही थी। बिना समय गवाए गरिमा दबे पांव तहखाने में पहुंची तो वहां अपनी बहन शोभा को बुरी स्थिति में देख दंग रह गई। मेरी प्यारी बहन, तुम यहां इस तरह तहखाने में क्यों हो? गरिमा की आवाज सुन शोभा बंद आंखों से यहां वहां देखने लगी। गरिमा, क्या तुम हो? मैं देख नहीं पा रही हूं। लेकिन तुम यहां कैसे आई? अगर मेरे पति को पता चल गया तो तुम खतरे में पड़ जाओगी। तुम फौरन यहां से चली जाओ। तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पति पार्टी में शामिल होने गया है। उसने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हारी आंखों को क्या हो गया? तब राजकुमारी शोभा रोते हुए बोली, मैंने जिसको अपना जीवन साथी माना उसी ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझसे शादी केवल मेरे जादू आंसुओं की वजह से की थी। असल में मेरा पति लालची और कामचोर है। वो सारा दिन भर आवारा दोस्तों के साथ घूमता फिरता है, शराब पीता है और जुआ खेलता है। धीरे धीरे उसने सारी जमा पूंजी खत्म कर दी। फिर उसने मुझ पर दबाव डाला और हर रोज रोने के लिए मजबूर किया। फिर जब मैंने तंग आकर वापस पिता के महल लौटने का फैसला किया, तब आर्य ने धोखे से मुझे इस जेल में बंद कर दिया। जब तक मैं उसे हीरा नहीं देती तब तक वो मुझे खाने को कुछ नहीं देता। हर रोज रोने की वजह से मैं अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी हूँ। रो मत मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हें इस तहखाने में और नहीं रहने दूंगी, चलो मेरे साथ। ये कहते हुए गरिमा ने शोभा का हाथ पकड़ा और सावधानी पूर्वक तहखाने से बाहर ले आई और बड़ी ही फुर्ती से उसे हवेली के बाहर ले आई। वहीं कार्तिक पहरेदार को घायल कर रथ लेकर हवेली के बाहर उन दोनों का इंतजार कर रहा था। फिर वो तीनों रथ पर बैठकर महल की ओर चल दिए। जब वो महल पहुँचे तो देखा दुष्ट आर्यन अभी भी राजा सूरजभान के साथ बैठकर हंस हंस कर बातें कर रहा था। तभी वहाँ अपनी पत्नी शोभा को देखकर आर्यन घबरा गया। वहीं राजा सूरजभान और रानी रूपमती अपनी बेटी शोभा को ऐसी हालत में देख कुछ समझ नहीं पाए। जब गरिमा ने उन्हें सारी सच्चाई बताई तो राजा सूरजभान गुस्से से बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल सी राजकुमारी के साथ दुर्व्यवहार करने की? सैनिकों, इस दुष्ट को कारावास में डाल दो। मुझे माफ कर दो महाराज, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। लेकिन सैनिकों ने उसे घसीटते हुए ले जाकर कारावास में डाल दिया। वहीं गरिमा की बुरी हालत देख सभी बहुत दुखी थे क्योंकि वो अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी थी। मेरी प्यारी बहन शोभा, काश मैं तुम्हें फिर से देखने में तुम्हारी मदद कर पाती। ये कहते हुए गरिमा रोने लगी और उसकी आंखों से आंसू के बजाय हीरे गिरने लगे। तभी अचानक एक तेज रोशनी के साथ रानी परी प्रकट हुई और बोली, आप सभी चिंता मत कीजिए, मैं राजकुमारी शोभा की मदद कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे अपना दिया हुआ वरदान वापस लेना होगा। रानी परी, कृपया कर आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। मेरे लिए इन हीरों से भी कीमती मेरी बहन है। कृपया कर मेरी बहन की आंखों की रोशनी लौटा दीजिए। इतना कहते ही एक चमत्कार हुआ और राजकुमारी शोभा की आंखें ठीक हो गई। ये देख राजा सूरजभान बहुत खुश हुए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उन्होंने कार्तिक से अपने दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगी। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। अब राजकुमारी शोभा पहले की तरह बिल्कुल भी घमंडी नहीं रही। वहीं दूसरी ओर गरिमा अपने पति कार्तिक के साथ खुशी खुशी अपना दाम्पत्य जीवन बिताने लगी। किसी गांव में दिनेश नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसको ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं था। उसकी बीवी गरिमा की एक बहुत ही प्यारी बेटी थी जिसका नाम सुमन था। सुमन भी अपनी माँ से बेहद प्यार करती थी। एक बार अचानक से सुमन की माँ की मृत्यु हो जाती है।
गरिमा की मृत्यु से सुमन के पिता और सुमन दोनों ही बहुत दुखी थे। सुमन बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। वो हमेशा अपनी माँ को याद करते हुए रोती थी। इधर गरिमा को मरे हुए एक महीना भी नहीं बीता था और दिनेश ने रीना नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी और अपनी दूसरी पत्नी रीना को अपने साथ घर ले आया। रीना, ये मेरी बेटी सुमन है। मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी बेटी की देखभाल के लिए करी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को माँ की कमी कभी महसूस ना होने दो। अजी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं इसे एक सगी माँ की तरह प्यार दूंगी। मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है। सुमन बेटी, तुम अब अपनी नई माँ के साथ बातें करो, मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ। इतना कहकर दिनेश वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी सुमन भी अपने कमरे में रोते हुए चली जाती है। तभी सुमन की सौतेली माँ उसके पीछे पीछे उसके कमरे में जाती है और कहती है, सुमन बेटी, मुझसे मिलकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? बेटा, अब से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। मैं आपको बिल्कुल आपकी सगी माँ की तरह प्यार करूँगी। पर तुम तो मेरी सौतेली माँ हो ना। सौतेली माँ बहुत ही बुरी होती है। सौतेली माँ अपने बच्चों के साथ बहुत दुर्व्यवहार करती है। आप भी मेरे साथ वही करोगी ना? मुझे सब पता है। ये सब आपसे किसने कहा बेटा? सभी कहते हैं और मेरे दोस्त भी मुझे बताते हैं। अच्छा, एक बात बताऊं, तुम बहुत ही प्यारी हो। बस बस, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है आपको। अरे बुद्धू, तुम सच में बहुत प्यारी हो। मैं तुम्हारी सौतेली माँ नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी सगी माँ हूँ। अब तो तुम मेरे से बात करोगी ना? मतलब? बेटी, आपके पापा ने मुझसे शादी सिर्फ आपकी देखभाल के लिए की है, जैसे आपकी माँ आपकी देखभाल करती थी, वैसे ही। तो हुई ना मैं आपकी अपनी माँ? और वैसे भी तुम मुझे अपनी ही लगती हो। वो क्यों भला? क्योंकि दिन भर तुम अपनी माँ की तस्वीर देखती रहती हो। तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करती हो। अगर मुझे इतना प्यार करने वाली बेटी मिल जाए तो मेरे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। आप भी बहुत प्यारी हो माँ, अब से आप ही मेरी माँ हो। पहले ही दिन सुमन और रीना की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ ही दिनों में वो दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा घुल मिल जाते हैं। उन दोनों को एक साथ रहना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। वो दोनों ज्यादातर एक दूसरे के साथ ही रहते थे। वो दोनों माँ बेटी पूरा दिन हंसते खेलते, बातें करते, खाते और एक ही साथ सोते भी थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुमन और रीना मिलकर घर की सफाई कर रहे थे, तभी सुमन की नजर उसकी सगी माँ के गोल्डन लहंगे पर गई, जो अलमारी में रखा हुआ था। सुमन उस लहंगे को निकालकर रीना को देती है और कहती है, माँ, आप ये गोल्डन लहंगा एक बार पहनकर दिखाओ ना। आपको पता है ये मेरी पहली वाली माँ का फेवरेट लहंगा हुआ करता था और ये मेरी माँ पर बहुत ही जचता था। आप प्लीज इसे पहनकर दिखाओ ना। प्लीज माँ, ये आप पर बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ क्यों नहीं, ये लहंगा तुमने मुझे दिया है, मैं इसे पहनकर तुम्हें जरूर दिखाऊंगी। तुम यहीं रुको, मैं अभी ये लहंगा पहनकर आती हूँ। रीना अपने कमरे में चली गई और जैसे ही उसने वो लहंगा पहना तो वो गायब हो गई। तभी दिनेश आ गया और उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की बेल सुनकर रीना तुरंत ही दरवाजा खोलने गई, लेकिन वो दिनेश को भी दिखाई नहीं दे रही थी। कमाल है, ये दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और रीना भी कहीं नजर नहीं आ रही। रीना, ओ रीना, कहाँ हो तुम? हाँ हाँ जी, बोलिए, मैं आपके सामने ही हूँ। तुम मेरे सामने नहीं हो, कहाँ से बोल रही हो तुम? मुझे तुम कहीं दिखाई नहीं दे रही हो। लेकिन तभी घर से बाहर दिनेश की बिजनेस पार्टनर मोहिनी की आवाज आई, मिस्टर दिनेश, ओ मिस्टर दिनेश, बाहर आइए। इतना सुनकर दिनेश बाहर चला जाता है, लेकिन रीना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो शीशे के सामने जाती है और अपने आप को देखती है। वो अपने आप को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो शीशे में खुद को ही नहीं देख पा रही थी। ऐसे कैसे हो सकता है, मैं इस शीशे में दिखाई नहीं दे रही,
आखिर ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर रीना को ये सब समझते हुए देर नहीं लगी कि उसने जो गोल्डन लहंगा पहना है वो एक जादुई लहंगा है। रीना ने तुरंत ही वो लहंगा उतार कर रख दिया। कुछ देर बाद ही दिनेश घर आ गया और रीना से बोला, अरे रीना कहाँ चली गई थी तुम, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। अच्छा, उस वक्त मैं बेड के नीचे सफाई कर रही थी। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे आने में देरी हो जाएगी, तुम और सुमन खाना खाकर सो जाना। इतना कहकर दिनेश वहाँ से चला जाता है और फिर रीना ने उस जादुई लहंगे की बात सुमन को बताई। ये सब सुनकर वो बोली, क्या सच में माँ वो एक जादुई गायब होने वाला लहंगा है? हाँ सच में, क्या मैं ये बात तुम्हारे पिताजी को बता दूँ? नहीं नहीं, आप उन्हें मत बताना, माँ का लहंगा जादुई लहंगा बन गया है, इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी, आप अभी किसी को ये बात मत बताना। अगले दिन दिनेश बहुत ही टेंशन में था। क्या हुआ जी, आप इतनी टेंशन में क्यों हो, आपकी तबीयत खराब है क्या? नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बस मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाओ। तभी उसका घर का दरवाजा बजा। रीना दरवाजा खोलने जा ही रही थी कि तभी दिनेश बोला, तुम चाय बनाने जाओ रीना, मैं दरवाजा खोल दूंगा। दरवाजे पर और कोई नहीं, दिनेश की बिजनेस पार्टनर मोहिनी ही आई थी। सुनो रीना, मुझे अभी मोहिनी जी से बिजनेस के बारे में कुछ बात करनी है, और ध्यान रखना कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, जाओ और दरवाजा लॉक करके जाना। इतना कहकर रीना सुमन के कमरे में आ गई और उसने सुमन को मोहिनी के बारे में सारी बात बताई। ये सुनकर सुमन घबरा गई और बोली, माँ ये औरत मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, मेरी सगी माँ के मरने से पहले भी वो घर में आई थी और पापा ने उस वक्त भी मुझे यही कहा था कि मेरे कमरे में अभी मत आना। अच्छा तो ये बात है, हमें पता लगाना ही पड़ेगा कि बात क्या है, लेकिन हम कैसे पता करेंगे? अरे मेरे पास एक आइडिया है, आप उस जादुई लहंगे को पहनकर वहाँ जाओ और सच्चाई का पता लगाओ कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। हाँ बेटी तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं अभी चेक करके आती हूँ। रीना जल्दी से उस जादुई लहंगे को पहन लेती है और कहती है, बेटी मैं तुम्हें दिख रही हूँ क्या? नहीं माँ, आप तो सच में अदृश्य हो गए। इतना सुनकर रीना उस कमरे में गई जहाँ पर दिनेश और मोहिनी बैठे हुए थे। रीना भी वहीं खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी। बेबी मैं जल्दी ही सब कुछ सही करके तुमसे शादी कर लूँगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। बस दिनेश अब कितने दिन लगेंगे, अब मुझसे इंतजार नहीं होता। मोहिनी तुम्हें तो पता ही है ये सब मैं हमारे लिए ही कर रहा हूँ, मैंने अपने पहले पत्नी को भी मार डाला ताकि ये सारी जायदाद हमारे नाम हो सके, लेकिन उस कमबख्त ने तो सारी प्रॉपर्टी सुमन के नाम पर कर दी है, और अब मैं सुमन को मारने का प्लान बना रहा हूँ। सुमन को मारकर मैं उसका इल्जाम उसकी सौतेली माँ पर डाल दूंगा, और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा क्योंकि दुनिया भी जानती है कि सौतेली माँ कैसी होती है, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। क्या अच्छा प्लान है, मान गई मैं तो तुम्हें, लेकिन जो भी करना है जल्दी करो। ये सब सुनकर रीना के होश ही उड़ गए, उसे दिनेश की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। वो जल्दी से वहाँ से बाहर आ गई और सुमन को सारी बात बता दी। मुझे पहले से ही पता था, मेरे पिताजी पहली वाली माँ को अक्सर बिना बात के पीटते रहते थे, अब मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। बेटी गुस्से से नहीं अकल से काम लो, हम उन दोनों से ऐसे नहीं जीत सकते, मेरे पास एक आइडिया है, तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो और उनसे कहो कि तुमने अपनी माँ का खून होते हुए देखा है। रीना की बात सुनकर सुमन उसके साथ पुलिस स्टेशन चली जाती है और फिर पुलिस रीना और सुमन के साथ उनके घर आ गई। मोहिनी और दिनेश तुम दोनों को अरेस्ट किया जाता है। लेकिन क्यों साहब जी, मैंने क्या किया है? तुमने अपनी पहली पत्नी का खून किया है। क्या? जी हाँ, आपकी बेटी ने खुद अपनी आंखों से खून होते हुए देखा है। लेकिन कैसे, जब मैं अपनी पत्नी गरिमा को मार रहा था उस वक्त तो सुमन वहाँ थी ही नहीं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने खुद ही कबूल कर लिया।
दिनेश और मोहिनी चलो मेरे साथ जेल में, अब पूरी जिंदगी वहाँ पर चक्की पीसना। इसके बाद उन दोनों को पुलिस पकड़ कर ले गई। इसके बाद रीना और सुमन खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।